तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक ऐप आया है मूवर, जो कि मेरे को अभी पता चला था, तो मैंने इसको डाउनलोड करा और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए। और मैं बैठा हूँ, देखो अभी पेड़ के नीचे, क्योंकि बाहर हो रही बारिश। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं और मेरी आईडी चालू हो चुकी है, लेकिन उसका भी रेट वेट कुछ ही नहीं पता दिल्ली एनसीआर का, कि कितने रुपये किलोमीटर मिलेगा। अभी दिल्ली एनसीआर का रेट आया नहीं है, और आया भी है या नहीं आया पता नहीं, वो तो जब ऑर्डर आए लगे जब पता चल जाएगा। तो उसमें आईडी कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें लगता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और उसे कैसे अपलोड करते हैं वो सब दिखाऊंगा। और ये आईडी, जैसे कि आप आज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ना, तो एक से दो दिन बाद चालू हो जाती है। तो मेरी अगले दिन ही हो गई थी चालू, जैसे आज मैं डॉक्यूमेंट डाले तो कल चालू हो गई थी। तो दिखाते हैं पहले आपको वो ऐप कैसा है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर ओपन करना है, और यहाँ लिखना है आपको मूवर। ये देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर ही आ रहा है, देखो मूवर डिलीवरी पार्टनर ड्राइवर। तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको सिर्फ डाउनलोड ही करना है। ये तो मेरा तो डाउनलोड हो रखा है। और उसके बाद जैसे ये ऐप है, ये आप देख सकते हो, ये रहा। और फिर आपको इसमें ना एक नंबर डालना है, तो यहाँ आपको ना एक नंबर डालना है, तो मैं आपको नंबर डाल के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने नंबर डाल दिया है, फिर आपको इस एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो ये जैसे कि ओटीपी आ चुका है, और ये ओटीपी डल गया, और ये रेफरल कोड मांगता है। तो ये रेफरल कोड आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेफरल कोड डालने के बाद नेक्स्ट करना है, और यहाँ आपका नाम, ईमेल एड्रेस, ये सब डालना है। तो इसको पहले हम फिल करते हैं, और यहाँ आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मेरा दिल्ली एनसीआर है, तो ये रहा दिल्ली एनसीआर। अब आपको नेक्स्ट करना है, और अब आपको इसमें ये देखना है कि आपको इसमें क्या चीज़ अटैच करनी है। जैसे कि मेरे को बाइक करनी है, तो बाइक पे क्लिक करा, और यहाँ गाड़ी का आपको नंबर डालना है, जो भी आपकी गाड़ी है उस गाड़ी का नंबर डालना है। तो मैं डालता हूँ। तो दोस्तों, मैंने नंबर वंबर सब डाल के वेरीफाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर तो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो डलेगी इसमें, और उसके नीचे है आधार कार्ड की फ्रंट की फ़ोटो, फिर बैक की फ़ोटो। और आप फ़ोटो ही अपलोड पर जाओगे तो आप गैलरी में से भी चूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास गैलरी में फ़ोटो है तो। तो ये आधार कार्ड की फ्रंट की और बैक की, फिर इसके पास आपके बाइक का इंश्योरेंस, उसकी फ़ोटो डालनी है, कैंसिल चेक या फिर आपकी बैंक की पासबुक, और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन डालना है आपको, और ये ड्राइविंग लाइसेंस की भी फ्रंट की और बैक की फ़ोटो डालनी है, और ये आपकी गाड़ी की आरसी की, ठीक है दोस्तों। और फिर गाड़ी की आरसी की फ्रंट है और बैक है, उसके बाद आपको पैन कार्ड डालना है, और ये जो लास्ट में बचा है अदर, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कुछ भी का मतलब है अपनी फ़ोटो डाल दो या गाड़ी की डाल दो, या फिर गाड़ी में बैठ के फ़ोटो वो भी आप डाल सकते हो। और आपकी आईडी अगले दिन या उससे अगले दिन में चालू हो जाएगी, एक से दो दिन में। तो दोस्तों, यही है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी आईडी चालू है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये तो मेरी आईडी है, तो ये मेरी आईडी चालू है, अभी मैं हो चुका हूँ ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन है, नीचे जो आएगा ना, अभी लिखा है गो ऑफलाइन, अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैं ऑफलाइन हो गया हूँ। और फिर ये आ रहा गो ऑनलाइन, इस पर क्लिक करूँगा तो ऑनलाइन हो जाऊँगा। और ये है दोस्तों मेरी आईडी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सब कुछ चीज़ समझा दी है इसमें, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं, क्या क्या नहीं डालना। तो दोस्तों, ये था, इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या चाहिए इसमें। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा ही चाहिए इसमें, पोल्यूशन इंश्योरेंस वगैरह ये सब मांगता है ये। तो मेरी आईडी बन चुकी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है। तो यही था दोस्तों, कि ये ऐप आया है नया, और अभी फ्री में आईडी बन रही है, कोई पैसे नहीं लग रहे। और जब भी कोई ऐप आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री में आईडी बन रही है, तो बनवा लो, फ्री में आईडी बन रही है, बना के रख लो, आगे काम ही आती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये चल सकता है शायद, अब वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा चलेगा या नहीं।
अब हो रही है बारिश तेज़, क्योंकि मेरे को घर जाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।